हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सिंपल तरीके से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ़ोटो को राइट क्लिक करके एमएस ऑफिस में ओपन कर लेना है। एमएस ऑफिस में ओपन कर लेने के बाद आपको एडिट पे क्लिक करना है, क्रॉप पे क्लिक करना है और इसे क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कर लेने के बाद आपको इस फोटो को सेव करके फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। डबल क्लिक करके फ़ोटो को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको मूव टूल पे क्लिक करना है, फिर टाइटल बार पे राइट क्लिक करना है, इमेज साइज पे जाना है, विड्थ 350 रखनी है, हाइट 450 रखनी है, रेजुलेशन 300 रहेगा, ओके पे क्लिक कर देना है। कंट्रोल एंड न्यू फाइल को लेंगे, फिर इसके बाद A4 साइज पे सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब फोटो को मूव करते हैं। मूव कर लेने के बाद एडिट पे क्लिक करना है, स्ट्रोक पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब फोटो को अल्ट के साथ ड्रैग कर लेना है, फिर से अल्ट के साथ ड्रैग करना है, फिर कंट्रोल ई के साथ फ़ोटो को मर्ज कर लेना है। मर्ज कर लेने के बाद फिर से अल्ट के साथ ड्रैग करना है। अब फ़ोटो को हल्का सा नीचे बढ़ाना है, फिर इसके बाद हल्का सा साइड में करना है, फिर फ़ोटो को अल्ट के साथ ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद फ़ोटो को मर्ज कर लेना है, फिर अल्ट के साथ फ़ोटो को नीचे खींचना है। इसी के साथ आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से आप पासपोर्ट साइज़ सिंपल तरीके से बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना सीख जाएं।